हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दुआ है यार, मैं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं शाहिद कपूर एटीट्यूड वीडियोस पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। तो गाइस, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हट गई ना आपकी चाची सनी, तू पागल है? चुप कर, चलेगा मेरे को? मैं लीड कर रहा हूँ, मुझे फॉलो करो, नहीं तो हट जाओ मेरे रास्ते से। बस अपनों से ऐसे बात करता। अरे क्या है कि अपने वो लोग जो हम लोग के साथ खड़ा है वो अपने, जो चला गया वो चला गया। जो लोग कहते हैं कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, या तो वो खुद कंगाल होते हैं या वो तुम्हें अमीर होता नहीं देख सकते। खाना चाहिए था अपने पापा जी को कि तेरे और मेरे बीच में क्या हुआ है। तू ये क्या इशारे कर रहे हो? तो क्या करूं, मैजिकल पोएट्री में समझाऊं तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तेरे पापा जी और मम्मी जी के बीच में कुछ है ही नहीं। आई थिंक आई डांक ने जो का है सब जाति जानता छक्कियां थी मुझ माचे दे जट पड़तिया कुछ का। पैसा तो सिर्फ बहाना था, फर्जी में एक्चुअली असली इंसान और नकली इंसान के बारे में बात हो रही थी। जानता नहीं मेरे को? सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखें। मैं क्या बोलता हूँ, सरेंडर कर देते पागल हो गया फिर तो क्या करें फिर? पैसा उड़ा फिर क्या बोले थे? 100 साल तक भी नहीं दे पाएंगे, 24% ब्याज के साथ गिन लो। आशीर्वाद भाई, छोटा सा गिफ्ट है, डैडी के लिए कुछ घड़ी वड़ी ले। साथ वाले किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्त करे काम किया बेटा खड़ा किया फिलर। ले सोहेल मार के मुंह फोड़ साले का। अच्छा मार के दिखा, और अगर मार दिया ना तो कपड़े उतार के कनॉट प्लेस में नंगा नाचूंगा मैं। जेब में था चिल्लर साथ वाले किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन। औकात की बात किससे कर रहा था? चप्पल पहन के आने वालों की वैसे भी यहाँ पर एंट्री नहीं होती है, अब निकलो यहाँ से वरना ये चप्पल निकाल के मारूंगा। एक दिन होटल खरीदूंगा मैं सारा, समझा ना? पिछली बार क्या बोला? आउका पैसा भगवान नहीं होता, भगवान से कम भी तो नहीं होता ना। और जुगाड़ ढूंढ लिया तो रोज के 500 बना सकते हैं ना। पहल मत, 100 पकड़, चल 250 पकड़, तो कितने दिन में बन जाएंगे हम लोग लखपति करोड़पति?
100-150 साल में बन जाएंगे हम लोग करोड़पति। पैसे बचा के कोई अमीर बना है क्या? जेब में था किलर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिलर, जेब में था किलर, साथ वाले किलर। ऐसा नहीं, याद रखना, आदमी जब ऊंचाई से उड़ता है ना तो गिरने का फीलिंग आता है, उड़ने का फीलिंग आता है। पेन तो छोड़, लाइन ठीक से सीखे अच्छी। इंच इंच पिंच पिंच करके तू गरी बिच आई बस पेरे सनी गट्टी चप्पल कर मेरे नी तू कर एनी ऑब्सेस हो कि नहीं मेरी बेरंग दुनिया में इनकी फ्रेंडशिप भी मस्त है। तेरा होना मुझे राहत क्यों? अपनों से ऐसे बात करता है? अरे क्या अपने वो लोग जो हम लोग के साथ खड़ा है वो अपने जो चला गया वो चला गया। उन दिन पक्षी तो फ्लाई हो गए, तार के पसंद तो सिखाई हो गए, सच्चे खबे इससे थले केड़ी होगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. औकात की बात किससे कर रहे हो? Wake up to reality. और ये वाला आदेश ये पकड़ा गया? Not yet, but छोटा ऑपरेशन है, पकड़ा जाएगा sooner or later. छोटा मोटा ऑपरेशन। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। विनर इज शाहिद कपूर फॉर इश्क विश। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए, चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। हमेशा तेरा बोले तो किया सनी मैंने, तू बोला रुक मैं रुका, तू बोला कूद मैं कूदा। जेब में था किलर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिलर। मैं चैरिटी में दूंगा, सच्ची सच्ची क्या करेंगे, जल्दी पैसा जो आता है वो रहता नहीं है, बरकत नहीं होती उसकी, मुझे ऐसा लगता है। Old and good soul has happened. बस मैं सर्टेन थिंग में दाढ़ी सफेद हो गई। बेटे जीवन में ये याद रखना। ए, अपने आप को देखा है क्या कभी? तेरी तो हाइट भी नहीं मिलती मुझसे। हाँ, तो तू सिर्फ अमिताभ बच्चन से प्यार करेगी? ओए, बोल देना अपने पापा जी नू। एक्टिंग भी कर। तेरी भी पप्पी ली मैंने। अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी केटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी वो मैनू प्यार करती है, मैं कह रही हूं मेरे लिए वो सब कुछ है, ये बर्तावा थोड़ा मेरे नाल? बड़ी सर्जन कोई रोड साइड रूमिया नहीं है मैं? और वो देखकर फील भी होता है कि हाँ यही हकीकत है। और जो उनका डायलॉग बोलने का स्टाइल है
फिल्म का एक एक सीन इतना मस्त है, जब पूरी फिल्म देखेंगे तो पता नहीं कितना ज्यादा मजा आएगा। देखकर सारी वीडियोस गूज़बम्स आ रहे थे, और सारी इतने खतरनाक उन्होंने सीन की है। तो आप बताना आपका हमारा रिएक्शन कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।